तं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान जब वृंदावन से प्रत्यावर्तन कर रहे थे तब गोपियों को सांत्वना दिया था कि हम जरूर ब्रज फिर आएंगे, मगर भगवान तो बिजी रह रहे इन पॉलिटिक्स, इन सोशल रिफॉर्मेशन, सो मैनी कार्यों में। तो उन्होंने देखा कि मेरे ही स्वरूप अंश बलराम जी से बात किया, दादू आप ही चले जाइए। तो बलराम जी ब्रजगमन आए, सब याद किए, गोपियों को सांत्वना दिया, गोपियों के साथ जलक क्रीड़ा भी किया। इसी बीच में जो एक बंदर था उसको भी उद्धार किया। अब एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग कथा है। एक राजा था, उसका नाम है पौंड्रक। वो अपने आप को वासुदेव बोलता था, पौंड्रक वासुदेव। उसके अंदर गजब इच्छा है। कुछ लोग आते अभी भी देखोगे ना, पुरुष होकर स्त्री बन करके घूमते हैं, स्त्री होकर के पुरुष होकर के घूमते हैं, फिर अलग अलग रूप लेते हैं। उस समय भी वही था। तो वासुदेव भगवान कृष्ण का रूप कैसा है, मूलतः तो शंख चक्र गदा पद्म है और एक गरुड़ जी है। तो उसने लकड़ी का अच्छा एक गरुड़ बनाया और ऐसे कुछ इंजन फिट किया जो उड़ भी सकता। ये हो गया उसका सुदर्शन चक्र। तो उसके बदले एक पावरफुल चक्र लाया, एक गधा ले आया, शंख चक्र। फिर क्या बचा? शंख चक्र, शंख हो गया, एक शंख लगा, अच्छा एक शंख, वो जगन्नाथ पुरी से ही मंगाया, तो बढ़िया सुंदर शंख मंगाया, पावरफुल, वो पांचजन्य नहीं था ऐसे शंख। और एक पद्म रखा, रोज सेवक को बोला कि रोज एक पद्म दोगे, और कहा कि असली वासुदेव मैं हूं, वो तो डुप्लीकेट। और उसको साथ युद्ध करना, उसको मारना है। उसने एक चिट्ठी लिखा, वासुदेव तुम असली नहीं हो, तुम नकली हो, तुम्हारा जो अस्त्र शस्त्र तुम धारण किए हो ना उसको छोड़ दो। तो ज्यादातर जो पत्र आता है ना दूसरा कोई पढ़ता है, तो जब कोई सेवक सूत माधव बोलते हैं माँ, वो लोग पढ़ने लगे, भगवान भी हंसने लगे, है ना। जब आपको लेकर के कोई करेंगे आप हंसोगे कि ना। मुझे याद है, एक याद है इसलिए बोल रहा हूं, मैं चिन्मय विद्यालय में एडमिनिस्ट्रेटर था नालको नगर अनुगुल में। फिर मुझे थोड़ा टीचिंग पसंद है, वो आपको पता ही चल रहा है ना। तो दूसरा जो थोड़े से एडमिनिस्ट्रेशन जानते थे और बीएड भी था, मेरा नहीं था, तो उनको एडमिनिस्ट्रेटर रखा गया। अभी स्वामी शरणानंद अमेरिका में है, चिकागो उड़ीसा के। और मुझे क्योंकि मेरा सिंसियरिटी है तो उन्होंने आप भी कंटिन्यू करो एज ए टीचर। तो मैं हिंदी और मोरल साइंस, वैल्यू एजुकेशन, प्रेयर का इंचार्ज सब था उसमें, सिनेमा विद्यालय में पढ़ाता था। मैं प्लस टू में भी हिंदी पढ़ाता था। तो मैं जिस ढंग से खड़ा होकर के पढ़ाता था, ज़्यादातर लड़कियों को शायद में पसंद आया होगा, ज़्यादा ज़्यादा आगे मत सोचना, ठीक है। उसके बाद तब आगे बहुत कुछ सोचते हो, आगे मत सोचना। तो एक मैं क्लास आते समय एक लड़की, उस समय मेरा साक्षी चैतन्य नाम था ब्रह्मचर्य, तो मिमिक्र कैसे कर रहे थे, स्टूडेंट मैं आ गया हूँ साक्षी चैतन्य, अभी तुमको क्लास ले रहा हूँ। तो मैं जिस ढंग से चाक में लिखता था कुछ टॉपिक वो कर रहे थे, लकीर में आ गया।
वो तो सहम गई, डरने लगी। उस समय मैं भागवत का ये प्रसंग मुझे पता नहीं था, तो मैं बोलता था अच्छा तुम वासुदेव पुनरुत्थान कर रहे हो, तो मगर डोलता रही। फिर मैंने कहा कि मुझे अच्छा लगा, फिर मैं प्रवचन में कभी जब मिमिक्री होती है, एग्जांपल दिया अभी यहाँ फिटिंग है, तो वो अपने आप को क्या है, साक्षी चैतन्य ब्रह्मचारी के रूप में आह्वान किया, सुपर इम्पोज किया और लिखा। ऐसे ही पौंड्रक ने अपने आप को वासुदेव सोचा। लास्ट वाक्य चिट्ठी का बहुत सुंदर है, उसने लिखा था तुम अपना अस्त्र छोड़ो। भगवान हंसने लगा, ताकि लास्ट वाक्य बहुत सुंदर लिखा है, अपना अस्त्र छोड़ूंगा तेरे ऊपर, ये सुदर्शन चक्र छोड़ूंगा तेरे ऊपर। तो भगवान आए, उसके साथ युद्ध किया, उसको छोड़ा, और पता है वो भगवान के वैकुंठ धाम गया। क्यों? भगवान का रूप धारण किया था ना, झूठ झूठ का किया था, शत्रुभाव से किया था, मगर भगवान इतने दयालु है उसको भी मुक्त करा दिया। इस प्रकार के भगवान के लीला चल रही है। फिर एक बानर आया दिव्य, वो भौमासुर का सखा था, भौमासुर मरा था ना, तो वो आया बानर। उस समय बलराम जी थे, बहुत गोपियों को बानर सब दिखाता था, मिमिक्री करता था, बलराम जी ने उसको सफाई किया। फिर कौरवों पर भी एक बार बलराम जी ने बहुत क्रोधित हुए, और यमुना नदी के किनारे तो मथुरा है ना, तो भगवान ने अपना हल निकाल करके मथुरा को यमुना में डुबाने के लिए चल रहे थे, तो अभी देखना मथुरा टेढ़ी है, हस्तिनापुर है, और टेढ़ी है मथुरा ने हस्तिनापुर है जहाँ कौरव लोग रहते थे। इस प्रकार के लीला चलते गई, हम लोगों को आगे बढ़ना है। हाँ अभी इंटरेस्टिंग है, नारद जी एक दिन परीक्षा करने के लिए सोचा। मैंने बताया था ना गृहस्थ भगवान का बहुत बड़ा गृहस्थ है, कितने पत्नियां हैं, 16,108, बच्चे कितने हैं, 32,216, हिसाब किया ज्यादा होगा, 3,20,000, इन्होंने तो 32,000 सिर्फ दो के लिए हिसाब किया, मैंने एक बच्चे का, एक स्त्री का दो, एक जीरो और लगा, तो और जीरो लगना है, लड़का 10 लड़की 10 है ना, 3,00,000। अच्छा कितना स्कूल चाहिए, कितना टीचर चाहिए, कितना प्लेग्राउंड चाहिए, कितना घर चाहिए, सोचो तो। द्वारका में सब कुछ विस्तृत था, ये पृथ्वी माँ विस्तृत कर देती है, उसके बाद अपने आप संकुचित हो जाती है। नारद जी को लगा जरूर कोई स्त्री जाती है, कुछ लोग असंतुष्ट होते होंगे कि हमारे पास नहीं आते, मैं थोड़ा देखूं। नारद जी भगवान के गृहस्थ परीक्षा कर रहे हैं। एक दिन श्लोक पढ़ना तो फर्स्ट उन्होंने सोचा जरूर ही लक्ष्मी रुक्मिणी के होंगे प्रासाद में, तो रुक्मिणी के पास प्रासाद में वो आ रहे हैं। भगवान कृष्ण जब नारद को रुक्मिणी के प्रासाद में देखते हैं बहुत सम्मान करते हैं, कैसे करते हैं देखिए श्लोक पढ़िए। तम सन्निरीक्ष भगवान सहसोत्थितः, श्री पर्यंकतः सकल धर्म व्रतं वरिष्ठः, आनम्य पादयुगलं शिरसा किरीटः, जुष्टेन सांजलिरवि विशदासने स्वे, नारद
नारद को देखते ही भगवान रुक्मिणी के पलंग में थोड़ा सा लेटे हुए थे। सवेरे सवेरे था, स्नान हो गया था, खुद भगवान ने पूजा किया था, ध्यान भी कर लिया था। और भगवान ध्यान क्या करते थे वर्णन है, हमको लगता है कि राम ही मर्यादा वाले हैं और कृष्ण ऐसे ही थोड़ा सा लेट होंगे, और कृष्ण इतना टाइम टेबल के पक्के नहीं होंगे, ऐसे नहीं। ब्रह्म मुहूर्त उत्थाय, एक श्लोक है, ब्रह्म मुहूर्त उत्थाय वायु पस्पर्श माधव, इसका अर्थ पहले सुनिए। ब्रह्म मुहूर्त माने 3-4 बजे, भगवान कृष्ण 3-4 बजे उठ जाते थे। प्रातः काल रघुनाथ ऐसे उठ जा करके क्या करते थे, माता पिता को प्रणाम करते थे। वो तो लिखा हुआ है कृष्ण के बारे में भी, हम लोग ना कृष्ण के बारे में ऐसे ही सोच लेते हैं कि वो थोड़ा चोर है, मक्खन चोर है, झूठ बोलते हैं, नटखट है, और उनकी दिनचर्या भी बढ़िया है, तभी तो अर्जुन को बोल पाते हैं तुमको नियम पालन करना है, ध्यान करना है। तो ब्राह्म मुहूर्त अर्थात 3-4 के बीच में उठ करके ब्राह्म मुहूर्त उत्थाय वायु पस्पर्श, वायु पस्पर्श टेक्निकल शब्द है, उसमें लेटिन दातून स्नान सब आ जाएगा। वायु पस्पर्श माधव, कौन माधव है, भगवान है। फिर क्या करते थे, दध्यो, दध्यो माने दही खाते थे क्या, नहीं, ध्यान करते थे। दध्यो का लिंग लकार है ध्यान का, ध्यान करते थे। प्रसन्न कर्ण, बड़े आनंद मन से, किसके, भगवान कृष्ण को सारा दुनिया ध्यान करता है, वो किसको ध्यान करते हैं, न कहते हैं आत्मानं तनस परम, अपने स्वरूप को ध्यान करते थे ऐसे। तो ये इसी प्रकार यहां सवेरे करके रुक्मिणी पूजा करती होगी भगवान को, रुक्मिणी पूजा करते होंगे और कहते प्रभु आप थोड़ा सा ब्रेकफास्ट यहीं खाएंगे, तो भगवान तैयार थे ब्रेकफास्ट करने के लिए, रुक्मिणी तैयारी कर रही है, नारद जी आ गए। नारद जी ने ब्रेकफास्ट नहीं खाए, तो उनके तो आज परीक्षा करनी है, जैसे ये मेला में ये बहुत लोग घूमते रहते हैं, इधर 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 उधर घूमना, तो नारद जी ने मेला लगाया, हमको घूमना है सब रानियों के पास, ब्रेकफास्ट लंच डिनर के लिए कहाँ मौका है। तो रुक्मिणी के महल में गए, तो देखना श्लोक देखना क्या, तम संतम माने नारदम, नारद को देखते ही सन्निरीक्ष देखते ही भगवान सहसोत्थित, सहसा उत्थित पलंग में जो बैठे तो उड़ गए। श्री पर्यंकत, जो पलंग है सकल धर्म भृतम वरिष्ठ, जो खुद भगवान कौन है, धार्मिकों के मुकुटमणि है, धार्मिकों के मुकुट मणि है, सब धर्मों के मुकुट मणि भगवान कृष्ण। आनम्य पाद युगलम शिरसा किरीट, नारद जी के पाद युगलम में अपने सिर लगाया, प्रणाम किया। जुष्टे न सांजलि रिवि विशदा समेस्वे, अब लेकर के आकर के हाथ जुड़ा और अपने ही आसन पर बैठ गया, जो आसन में खुद बैठते थे पलंग में, उस पलंग में बैठा है। यही चीज फिर करने वाले हैं सुदामा के लिए। अब तो नारद है, नारद ऋषि है, सुदामा गरीब ब्राह्मण है, मित्र भी है। अब इधर आइए, नारद जब वो किया पूछा, और उन्होंने पूजा भी किया, कैसे पूजा किया देखिए, नारद जी को पूजा किया, गुणगान किया, नारद जी के पांव पखारे, चरणामृत अपने सिर पर लिया, पुराण पुरुष भगवान ने नारद जी की सेवा की, पूजा की, एवं मीठे मीठे शब्द में कहा प्रभु आप तो स्वयं समस्त ज्ञान वैराग्य धर्म यशस्त्री ऐश्वर्य से पूर्ण है। भग माने भगवान, भगत छे होता है,
एक ऐश्वर्य, भल का अर्थ ही ऐश्वर्य, फिर ज्ञान, वैराग्य, धर्म, यश, श्री, छह हो गया, ये भगवान के पास है, उन्हीं से ही बाकी संतों के पास रहता है। तो नारद जी के पास भी कुछ है तो प्रशंसा कर रहे हैं। फिर नारद जी ने कहा कि प्रभु आप तो स्वामी हैं, आप ही मुझे इसे बोल रहे हैं। तो अभी नारद जी क्या बोल रहे हैं देखिए 18 श्लोक में। दृष्टं तवांग्रियुगलं जनतापवर्ग ब्रह्मादिभिर्हृदि विचिन्त्य मलादबोधेः संसार कूप पतितो तरणावलम्बम् ध्यायन् च रम्यनिगृहाण यथा स्मृति स्यात्। देखो इस प्रकार जो कैंप होता है ना, जहाँ 3 क्लास 4 क्लास होता है, वहीं पर ही मौका मिलता सब श्लोक को पढ़ने का। मुझे बहुत साल के बाद ये जो मैंने बनाया, ये बनाया मैंने लगभग 2012-13 में बनाया। और बहुत जो सिर्फ 2 घंटा के शाम को होता है कोई करता है या हम करते हैं तो पढ़ नहीं पाते, छोड़ देते हैं। मगर जब कैंप होता है 3 या 4 क्लास लेते हैं, सब पढ़ने के लिए मजा आता है, बताने के लिए मजा आता है, सब कवर कर पाते हैं। इसमें भी 1-2 छोड़ करके मैंने सब पढ़ा। कितना सुंदर नारद जी कह रहे हैं, सुनिए इसमें क्या। प्रभु आपके जो चरण कमल है ना, संपूर्ण जनता को परम शांति मोक्ष देने वाला है। जिनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ब्रह्मा शंकर भी आपको हृदय में चिंतन करते हैं। वास्तव में श्री चरण संसार रूप कुएं में गिरा हुआ लोगों को निकालने के लिए अवलंबन है, आलंबन है। एतदेव आलंबनम एतदेवम श्रेष्ठम परम, कठोपनिषद। तो आपका नाम ही ऐसे ही है। फिर प्रभु कृपा कीजिए, आपके चरणों की स्मृति सदा बनी रहे, चाहे जहां भी रहो मैं ध्यान में समय रहो। भगवान तो जानते ही है किसके लिए आए थे। भगवान ने कहा ठीक है, ये तो बात है। रुक्मिणी कुछ व्यंजन व्यवस्था करो। अच्छा रुक्मिणी लक्ष्मी जो व्यवस्था करती है ना जगन्नाथ के लिए, 56 पोट भोग बनाती है। मैंने वो पूरी जगन्नाथ जो कैंप होगा उसमें होटल मैनेजर को कहा है, एक दिन डेलीगेट्स को जगन्नाथ प्रसाद खिलाना है। आनंद बाजार में नीचे बैठना पड़ेगा, खा नहीं सकते बहुत लोग, नीचे बैठ नहीं सकते। मैंने वो ले आओ और यहीं खाएंगे, चलता है आजकल। कुछ साल पहले नियम था ओनली नीचे बैठना है और आसन नहीं, जमीन में, ऐसे नियम है। मैंने कहा वहाँ डिक्लेयर कर देंगे, जो बैठ सकता है 15 मिनट, कितना खाने में 15 मिनट लगेगा, नीचे बैठ के खाएगा जो नहीं है। तो क्योंकि रुक्मिणी लक्ष्मी माँ बनाती है, जो बनाते हैं वो वर्णन है जगन्नाथ पुरुषोत्तम महात्म्य में, लक्ष्मी माँ खुद बनाते, 6 प्रकार के अग्नि संयोगित करती है। तो जब नारद को पता है ये लक्ष्मी माँ को ऑर्डर दे रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने तो तय किया यहीं पर ही 2-3 घंटे लग जाएगा, तो मेरा बेकार हो जाएगा सारा दिन में, मुझे 16108 जाना। उन्होंने मना कर दिया। एक नियम देखना हमारे भारतवर्ष में, जब भी आप कोई यात्रा में जाते हो तो माँ जो है ना वो कुछ ना कुछ खिला के भेजती है बच्चे को, वा पति देव। वहां ब्रेकफास्ट के लिए जाओगे किसी, फिर भी दही खा लो, यात्रा के लिए जाते हो थोड़ा सा दही चम्मच में ले लो, शहद ले लो, जहां जैसे प्रथा है। कहते हैं अगर यहां से नहीं खाए तो कहीं मिलेगा कि नहीं, पवित्रता होती है। देखो जो लक्ष्मी माँ है
उनके खाने को उन्होंने मना कर दिया। जब लक्ष्मी माँ के खाने को मना कर दिया तब तो लक्ष्मी माँ नाराज नहीं हुई होगी, मगर जो प्रारब्ध होता है, जो काल होता है, जो नियम होता है, सारा दिन उनको भूखे रहना पड़ा। और किसी ने भी पूछा नहीं खाने के बारे में, बाकी सब पूछते थे कैसे हो, क्या है, हमारे साथ खेलो, हमारे साथ करो, ध्यान करो, पूजा करो, किसी ने भी खाने के बारे में पूछा नहीं, सारे दिन भूखे रहे। तब इनकी परीक्षा की गनीमत हो गई, तो उन्होंने मना कर दिया, कहने नहीं मुझे बहुत काम है, अर्जेंट काम है, मैं जा रहा हूँ। भगवान हंसने लगे, रुक्मणी बहुत दुखी हो गई, भगवान आप बताइए ना, ऋषिवर खा नहीं रहे, भगवान ने ऐसे बड़े स्टाइल से हाथ मारी है, अर्थात भगवान जानते हैं। रुक्मणी समझ गई जो भगवान ऐसे हाथ मार रहे, मना कर रहे हैं, बाद में भगवान बताया होगा, रुक्मणी तुम भोली हो, सरल हो तुम, एक बार तो मैं तुझे क्या थोड़ा बात कर लिया था तो मूर्छित हो गई, ये ना खाने के लिए नहीं आए, फिर ये परीक्षा करने के लिए आए हैं मुझे, आपको परीक्षा, क्या हुआ, क्या परीक्षा करेंगे ना, मैं 16,108 पत्नियों के साथ कैसे वर्ताव करता हूँ, कोई दुखी तो नहीं, आपके कारण कोई दुखी हो सकता है प्रभु। और इनके मन में आया, नारद जी ऋषि है और ऐसे, देखो जो साधारण गवार गवारे डाउट कर सकता है, और जो ऋषि है ज्ञानी है वो डाउट करे तो हालत क्या होगी। यहाँ वर्णन है, फिर किसी के घर जाते हैं, कहीं भगवान कृष्ण ध्यान कर रहे पत्नी के साथ, किसी के घर जाते हैं कहीं भगवान कृष्ण गाय दान दे रहे हैं, कहीं पूजा कर रहे हैं, कहीं हवन कर रहे हैं, कहीं बच्चों के साथ खेल रहे हैं, देखो किसी को बच्चे को पढ़ा रहे हैं, एक पत्नी का तो 10-10 है ना, 20 तो आराम से हो गया, तो ठीक बल बिहार क्लास हो गए ना, किसी को पढ़ा रहे हैं, लड़की बड़ी हो गई तो उसको समझा रहे हैं। ऐसे करते करते नारद जी ने देखा, प्रभु फिर भी आप राजगद्दी भी जाते हो, शासन भी करते हो, वहां भी उपदेश देते हो, कोई बुलाता है अर्जुन जी से वहां भी चले जाते हो, आप ही कर सकते, करके भगवान ने प्रणाम किया और कहा कि प्रभु मुझे भक्ति ही दे दीजिएगा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतना सुंदर बताया, फिर हे प्रभु आराध्य देव है, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आप कहीं लीला करो, वो श्लोक है शायद आपको मिलेगा, हाँ नारद कह रहे 10:69-39 पेज नंबर 11 से अगर पूजा के पहले, अनुजानी ही माम देवा लोकांस्ते यशसा प्रता पर्यतामि तवोद्गायन लीलां भुवन पावन अनुजानी ही प्रभु मुझे आप आज्ञा दीजिए, अनुजानी ही मैंने आज्ञा दीजिए, आप कौन है, आप देव लोकास्ते यशसा अप्रतान, देवताओं की आराध्य है आप, 14 भुवन के सुयश से परिपूर्ण है आप, मुझे आज्ञा दीजिए कि आपकी त्रिभुवन पावनी लीला, भुवन पावनम लीला, शब्द देखिए भुवन पावनम लीला का मैं गान करूं, पर्यटन शब्द मने में घूमता रहूं, गान करते करते गायन तबोद गायन आपके लीला आपके गुणगान कीर्तन करे लोकानु देवानु बादनम गुणानुवर्तनम करूं मैं, और मैं घूमता रहूं प्रभु लोक में विचरण करूं। भगवान ने कहा कि नारद मैं ही धर्म का उपदेशक हूं, अनुमोदन करता भी हूं, जो गीता में भगवान ने बताया, और तुम
मेरी यह योग माया देख करके मोहित मत होना, आप परीक्षा करने के लिए आए थे, ये मेरी योग माया है, मोहित होना मत। ऐसे ही कृष्ण के नित्यचर्या है। अब इंटरेस्टिंग कथा, महाभारत युद्ध होने से पहले भगवान ने सोचा कि कुछ कुछ जो राजा लोग दुष्ट है उसको मारना चाहिए। सब लोग लगभग मर गए, एक जरासंध बचा है। मैं बचपन में जरासंध को छोड़ा था, बलराम जी दाऊ बोलते थे, मैंने कहा कि ना आपसे मरेगा ना मुझसे मरेगा, मरेगा तो भीम से। तो भीमसेन, अर्जुन और कृष्ण तीनों ब्राह्मण बन करके जरासंध के राजधानी आए। जरासंध का बड़ा अच्छा नियम था, कोई भी ब्राह्मण है उनको दान देता था सवेरे जो भी मांगे। ये तीनों ब्राह्मण बनकर आए, मांगो क्या मांगना है, कोई जमीन मांगता था, कोई गाय मांगता था, सब देते थे। इन्होंने कहा कि हम मल्ल युद्ध मांगते हैं, युद्ध करना चाहते हैं, द्वंद्व युद्ध बोलते हैं, कोई हम तीनों में से कोई एक चयन करो। हंसने लगा, तुम लोग ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण युद्ध नहीं मांगता है, क्षत्रिय युद्ध मांगता है, मैं पहचानता हूं तुम कौन है। ये जो तर्कश चिन्ह लगा है ना कंधे में, ये अर्जुन है, और ये जो शरीर बड़ा फुर्तीला है ये पक्का नटखट कृष्ण है, और ये जो थोड़ा मोटा है ये कौन रहा, भीम है। ये अर्जुन छोटा है, बच्चा है, इसके साथ मैं क्या युद्ध करूंगा, और तेरे कपटे के साथ तो मैं कभी युद्ध करूंगा ही नहीं, तो बड़े कपटे हो। मेरे जो सखा है कालयवन है, उसके साथ तुम मथुरा में युद्ध कर रहे थे, पता नहीं तुम कहां भाग गए, वो तुम्हारे पीछे गए और गुफा में मर गए। ऐसे कपटे हो, रण छोड़ो, तुम रण छोड़ के साथ क्या युद्ध करेंगे, आना तना मारते गए। भगवान तो बड़े प्यारे हैं ना, हंसते रहे, सीखो भगवान से, कोई अगर आपको कुछ कह रहा है ना तो उसमें याद रखना, जरासंध ने कृष्ण को कहा था, कृष्ण ने क्या कहा, हंसने लगे। आपको भी कोई बोल रहा है तो आप अपने आप को कृष्ण बनो, और जो सामने हैं वो आपके फूफा भी हो सकते हैं, बुआ भी हो सकते हैं, दाऊ भी हो सकते हैं, ताऊ भी हो सकते हैं, चाचा भी हो सकते हैं, उनको नमस्कार करना, हे जरासंध। आप जो बोल रहे हो आप बोलते जाओ, और मैं कृष्ण हूं, मैं क्या करूंगा, हंसते रहूंगा। फिर कहा युद्ध, द्वंद्व युद्ध मांग रहे हो ना, चलो भीम युद्ध करो। और भीम युद्ध किया गदा में, द्वंद्व में, भीम भी हारता गया, बड़ा मुश्किल हो गया, कैसे करेंगे। पूर्व में क्या है ना, जरासंध एक राजा के बेटा हुआ था, जो जुड़वा हुआ था, उसका शरीर अलग अलग फेंक दिया था, जरा नामक राक्षसी उसको लेकर के, उसका जो दो खंड अलग अलग हुआ था, वाम और दक्षिण, उसको जोड़ दिया था, जोड़ दिया था, तो वो बच्चा जीवित हो गया। उसने राजा को ही वापस दिया, उसको पता नहीं था कि राजा का पुत्र है। मैं क्या करूंगी, आप रखो, उसको रखे थे, इसलिए उसका नाम जरासंध, जरा राक्षसी ने संधि किया था, संधि माने जोड़ना, जोड़ा था इसलिए जरासंध। वो मरेगा कैसे पता है, जैसे जैसे वो मारता था जोड़ जाता था, फिर बड़ा मुश्किल हो रहा था, थक गया था। फिर भगवान ने क्या किया, वो जो एक तिनका लिया और इशारा दिया, भीम, अर्जुन ने कुछ बुलाया, भीम भैया, तो अर्जुन कृष्ण ने बोला कि तुम बोलो करना, भीम भैया, तो भीम भैया बोला, देखा कृष्ण ने फाड़ा एक तिनका और कहा ऐसे करोगे तो जुड़ जाएगा, उल्टा करके फेंको। वो तो उल्टा फेंका गया, फिर मर गया। बोल जरासंध वध के,
ऐसे आप लोगों को लगता है युद्ध बद्ध पसंद नहीं है ना, इसलिए जय भी निकलना है। फिर उसके बाद आगे चल रहा है बातें लीला। अब हाँ मैंने बताया ना युधिष्ठिर के इन माने जो यज्ञ है उसके लिए इंद्रप्रस्थ आए भगवान कृष्ण। राजसूय यज्ञ में नियम है अग्र पूजा होती है, तो सबने सोचा किसका अग्र पूजा करनी है, तो राजसूय यज्ञ का आयोजन हुआ और अग्र पूजा में किसने कहा वेदव्यास, किसने कहा परशुराम को बुलाओ, किसने कहा भीष्म अच्छे हैं, और बलदेव ने कहा देखा जाए तो कौन है भगवान कृष्ण को ही पूजा करनी चाहिए, कृष्ण के ही पूजा करना चाहिए। तो गुस्सा किया वो कौन, उसका नाम क्या है, शिशुपाल। अब देखो ये श्लोक पढ़ना 74 अध्याय 19 श्लोक लास्ट वाला श्री कृष्ण के अग्र पूजा। सहदेव उवाच, सहदेव उवाच अर्हतिह चित श्रेष्ठम् भगवान् सात्वतां पतिः एष वै देवता सर्वा देवकाल धनादयः। कहते हैं मैं कहता हूं भगवान कृष्ण ही सात्वतम पति ही, यदुवन शिरोमणि भगवान कृष्ण ही सब सदस्यों में श्रेष्ठ है। अर्हति ही अच्युतः, अग्र पूजा के यही पात्र है। अर्हति माने पूजा करने योग्य है, और क्योंकि ये समस्त देवताओं के रूप में है। एष वै देवता सर्वा देश काल धनादय, देश काल धन आदि जितनी भी वस्तुएं हैं इन सबके रूप में यही है भगवान है, उनको पूजा करना चाहिए। तस्मात् कृष्णाय महते दीयतां पारमार्हणम्, इसलिए भगवान कृष्ण के पूजा करना चाहिए, उन्हीं के अनुग्रह से मनुष्य धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त करता है, पूजा इनका होना चाहिए। सुनते ही सब लोग ठीक बहुत ठीक बहुत अच्छा करने लगे। बीच में ये शिशुपाल आ गया, कहे अपने आसन पर बैठकर सुन रहा था, हक्का बक्का हो गया, क्या लोग कह रहे हैं, उड़ गया हो। कभी कभी आप मीटिंग में देखना थोड़ा पागला जैसा कोई बात करता है, जब सब ठीक चल रहा है कुछ ना कुछ अलग बोल, कोई कनेक्ट नहीं है। कभी कभी हमारे भी मीटिंग में ब्रांची में तो बहुत चलता था, मैंने बहुत झेला है, पटियाला में इतना नहीं है, फिर भी एक दो कोई अंश होता है वो कुछ ना कुछ अलग बोल लेते, फिर हमको समझाना पड़ता है ये कनेक्शन नहीं है, ये कनेक्शन नहीं है, ये कनेक्शन है, सब समझाना। तो हम उसी समय समझते हैं ये शिशुपलक का अंश इनके अंदर आ गया है। वहाँ शिशुपलक के सक्रिय अंश आ जाता था, यहाँ कभी कभी सोया हुआ है कभी निकलता है, मगर मेरे दबाव में चुप हो जाता है। तो यहाँ पर पता नहीं शिशुपल पगला जैसा कोई बेतुका है, कोई तर्क नहीं है, मैंने इतना भी स्वीकार नहीं कर पाता है कि भगवान के महात्म्य, कोई थोड़ा सा सोचेगा तो भगवान को स्वीकार करेगा, वो उड़ गया। ये गवारी ये बालक, ये गोपाल, ये गवार, ये नंद बाबा के बेटा छोरा, उसको आप मानते हो, क्या बात कर रहे हो। श्रुति में कहते हैं सर्वज्ञ ईश्वर, ये ईश्वर कभी है, इसका ना कोई वर्ण है, ना कोई आश्रम है, ना ये क्षत्रिय है, सब धर्म से बाहर है। आप लोगों ने नहीं सुना है, बचपन में लड़कियों के पीछे भागता था, अब इतना सब बोलते जा रहे, सब लोगों ने कुछ बोलने के लिए बंद करने के लिए सोचा, अपना जोर से बोल रहा। भीमसेन गुस्सा हुआ, वासुदेव कुछ करो ना मैं करूं,
युधिष्ठिर भीमसेन को बैठा था, जब वासुदेव है कि तो चिंता क्यों करें, हम लोगों का वनवास का उद्धार कौन किया, उन्होंने किया, यहाँ भी करेंगे बरोबर। अर्जुन शांत होकर बैठे, जानते हैं मेरे परम सखा मेरे प्यारे ठीक करेंगे। भगवान गिन रहे थे, मैं थोड़ा जल्दी गिन लेता हूँ, 93 तक आ गया मैं, 93। फिर गली दे रहा, वो पानी पी पी के गली दे रहा है, पानी पीता है फिर गली देता है, 95। फिर गली दे रहा, 96। फिर गली दे रहा, बोलो ना इतना तो गिनाओ आप, फिर गली दे रहा, फिर गली दे रहा, हम रुको थोड़ा, लास्ट में जब गली दिया कितना हुआ, 100। ऐसे भगवान किया तो चक्र आ गया, छोड़ दिया। सभा के बीच में राजसूय यज्ञ की सभा है, अग्र पूजा है, एक फेस्टिवल है, सेरेमनी है, वहीं पर लगा दिया, हाहाकार हो गया। और बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसकी जो शक्ति है वो भगवान के अंदर जाकर के मिल गया। यही चीज युधिष्ठिर सप्तम स्कंद में ही पूछेंगे नारद जी को, ये कैसे हुआ, ताकि भगवान को कोई गुस्सा में भी याद करता है, कोई क्रोध में भी याद करता है, कोई द्वेष में भी याद करता है, तो भी भगवान कारुणिक है, परम कारुणकेश्वर वो अपने तरफ ले लेते हैं। क्या है कि ये चचेरी भाई था, ये शिशुपाल के जो माँ है उनके बुआ लगेंगे, तो ये जो जन्म हुआ ना शिशुपाल, उसका जो अंगूठी है वो उंगलियां 6 निकल गया, तो माँ दुखी हुई, आकाशवाणी हुई, जिसको वो स्पर्श करेगा या जो पकड़ेगा उसके स्पर्श से अगर उंगलियां सीधी हो गई जमना, वो ही उसको मारेगा। तब अर्जुन को बुलाया जाता था, पकड़ो कुछ नहीं हुआ, युधिष्ठिर पकड़ो कुछ नहीं हुआ, दुर्योधन को लेते थे, लोग सोचते सही यही गड़बड़ होने वाला है, मगर कुछ नहीं हुआ, युधिष्ठिर सब कुछ, भीष्म भी कुंती भी सब, और जिस समय कृष्ण पकड़ लिए हो गया, तो बुआ रोने लगी, कहा ना तुम ही मारोगे इसको, ये तो आकाशवाणी है। तो भगवान हंसते हंसते कि मैं क्या करूं बुआ बताओ, नहीं काम करो 100 बार भूल उसको माफ कर देगा, 100 बार के बाद मैं पकड़ूंगा। हाँ उन्होंने सोचा, कॉन्फिडेंस थी माँ, मेरा बेटा कृष्ण को अपने भाई को इतने बड़े परम पुरुष को 100 बार गलती नहीं करेगा, इस दृश्य हाँ कर दिया, ये क्या पता कुसंस्कार निकला अपने अभिमान में भरा हुआ, तो बोलता ही जा रहा था तब मर गया शिशुपाल उठा। बड़ा सुंदर राजस्व भगवान ने किया, आगे बोलते हैं, अगर पूजा भी हो गई अब आगे चलो। ये सब बता रहे हैं हमारे स्वागत है, पढ़ी लो अच्छा लगेगा। यदात्मकमिदं विश्वम् क्रतवश्च यदात्मकाः अग्निराहोतयो मन्त्राः सांख्यं योगस्य यत्परः। कहते हैं जहां पर आप भगवान को देखते हो ना, यदात्मकमिदं विश्वम, जहां भी भगवान देखते हो यही सब विश्व में भगवान ही है, और श्री कृष्ण ही रूप है सब में, समस्त यज्ञ भी भगवान कृष्ण के रूप है, अग्नि आहुति मंत्र के रूप में है, ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग भी यही है। गीता में भी हम देखते हैं ना, गीता के 7 चैप्टर में 9 चैप्टर में जो मंत्रो हम अहम आज्यो हम, देखो यही चीज यहाँ। फिर और एक श्लोक है, तस्मात् कृष्णाय महते दीयतां परमार्हणम् एवं चेत् सर्वभूतानां
आत्मनश्चारणं भवे। कहते हैं भगवान कृष्ण के अगर पूजा करेंगे सब प्राणियों को पूजा हो जाती है, क्योंकि सब प्राणियों के अंदर भगवान कृष्ण है, सहदेव अच्छे से जानते थे। तभी शिशुपाल आया, ये प्रसंग हुआ। अब आगे देखिए प्रसंग है सुदामा चरित्र, ये बहुत सुंदर चरित्र है। 80 अध्याय इसी बीच में सालों और यादवों का युद्ध होता है, 76 सालों का उद्धार हो जाता है, फिर दंतवक्त्र विदुरथ उद्धार करते हैं, बलराम जी तीर्थ यात्रा में जाते हैं और सूत को जो मैंने पहले दिन बताया था द्वितीय दिन बता दिया था उद्धार करते हैं, बलराम जी का तीर्थ यात्रा होती है, रोमहर्षण को मारते हैं, उनके बेटा कथा करते हैं। अब है सुदामा चरित्र, जिसके पास ओरिजिनल भागवत है संस्कृत का, 80 अध्याय है, इसमें भी है, इसको हम देखते हैं। अभी समय है 15 मिनट, अभी सुदामा का चरित्र आज देखते हैं। तो सुदामा का चरित्र 12-23 में है, 80 अध्याय में है, 10 स्कंद 6 नंबर श्लोक में पढ़ता हूँ। अब परीक्षित ही प्रश्न पूछते हैं, आहा सुंदर, उसमें नहीं है, कहते प्रभु आपके से जो सुन रहा हूं ना बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, भगवान की कथा। मनुष्य जीव विषय वासना में डूब करके दुख प्राप्त करता है, जब तक लीला नहीं सुनेगा उसके जीवन धन्य होगा नहीं। सवार्यया तस्य गुणान् गृणीते करो च तत्कर्म करो मनश्च स्मरेत् बसन्तं तिरजङ्गमेषु श्रुणोति तत्पुण्यकथा सकर्णः शिरोस्ततस्योभयलिङ्गमानं ये मत्ति देव यत्तपश्यति तद्धिचक्षुः अङ्गानि विष्णोरततज्जनानां पादोदकं यानि भजन्ति नित्यं। जो वाणी भगवान के गुणगान करती है वही सच्ची वाणी है, भगवान की कथाएं कथाएं बाकी सब व्यथा और वृथा है, वही जो हाथ भगवान की सेवा करता है वो सच्चा है, जो मन भगवान को याद करता है वो मन है, कान सुनने योग्य है, सिर वही सिर है जो स्मरण करता है समर्पण करता है, चल अचल प्रतिमा समझकर नमस्कार करता है सारा दुनिया को, भगवत विग्रह का जो संत है उनको नमस्कार करते है, वो नेत्र है, शरीर के जो अंग है वो भगवान भक्तों के चरणों से दत्त सेवन करता है, वो वास्तव में वही अंग है, सच पूछिए तो उन्हीं का ही जीवन धन्य है, ऐसे कहते हैं। अब परीक्षित ने प्रश्न पूछा, क्या हे गुरुदेव आप और कृष्ण की कथा कहिए। तो कहते ठीक है एक टॉपिक लेता हूं, कृष्ण के बाल सखा थे, ये जो श्लोक आप देखोगे इसमें सुदामा का कोई नाम नहीं, लगभग 3 अध्याय है इसमें कोई भी सुदामा का नाम नहीं। सुखदेव जी ऐसे इस परम संत का नाम लेकर के थोड़ा सा कमी लाना नहीं चाहते, जैसे राधा का नाम नहीं है गुरु का, ऐसे ही इतने बड़े संत प्रहलाद का नाम लिया, भरत का नाम लिया, ध्रुव का नाम लिया, इनका नाम नहीं लिया, अर्थात उनको कितना समर्पण करते हैं सोचो, क्या बोल रहे देखना, पढ़ना 6 नंबर। कृष्णस्य आसीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्य सखा कश्चित् आसीत्, कौन है वो ब्राह्मण,
और ब्रह्मवित्तम ब्रह्म ज्ञानी है, विरक्त थे, संत चित थे, जितेंद्रिय थे। ब्राह्मण एक, ब्रह्मवित्तम दो, ब्रह्म को जानने वाला। ओरिजिनल कौन है? कृष्ण के सखा है, बचपन के सखा है, सांदीपनी आश्रम। विरक्त इंद्रिय थे, विरक्त थे, प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। बहुत कम दिन थे, 56 दिन ओनली, 56 डेज। भगवान मथुरा से रथ में कोई विराट मंत्री उनको छोड़ करके आए थे, बलराम और कृष्ण दोनों सांदीपनी आश्रम में पढ़े थे। अगर कोई उज्जैन जाओगे तो वहां पर एक अभी भी है सांदीपनी आश्रम, वैष्णव आचार्यों के अंडर में है वो ट्रस्ट में, कभी दर्शन करना। वहीं हमारे कृष्ण बलराम पढ़े थे। वो आसपास सब जंगल था, अभी तो शहर हो गए। तो 56 दिन में 56 विद्या पढ़े थे भगवान। एक दिन माँ ने भेजा, सुदामा नजी गुरुमा, तुम लोग जाके लकड़ी लेके आओ तो, और तुम और कान्हा चला जाना। कान्हा तो मांगेगा नहीं, उनके लिए मैं चूड़ा भून करके दे रहा हूं, तुम दे देना, देना मत, देना खाना मत, तुम याद करके देना। तो रखे, अब खेल खेल बातें हो रही थी, बारिश हो गई, अलग अलग हो गए, एक पेड़ में कान्हा, एक पेड़ में सुदामा। इतने घोर सारी बारिश रात हुई, क्या करें? सुदामा को भूख लग रही, खा लिए कृष्ण को ना देख करके। सवेरा बारिश शांत हुई, नीचे उतरे, कान्हा जस्ट याद किया, गुरुमा दिया था चूड़ा, वो कहाँ गया? आंख बंद कर दिया, मर्यादा वाले हैं, क्या करे, खा लिया तो सच सच बोल दिया। उन्होंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी बाद में दे देना, बस ये बाद में दे देना, देखना कितना काम आ रहा है। और इधर आए, गुरुदेव ने सांदीपन ने कहा गलत किया तुमने, श्री क्षय हो जाएगा तुम्हारे जीवन में, लक्ष्मी क्षय रहेगा, उन्हीं की अगर कृपा होगी श्री क्षय को उल्टा हो, बोलो तो, यक्ष श्री अर्थात यक्ष कुबेर जैसा धन और श्री जैसा धन, लक्ष्मी के धन कुबेर के धन आ जाएगा केवल उनके कृपा से। हो गया बातें, कृष्ण बलराम मथुरा आ गए। फिर मैंने बताया था जरा कंस बध हो गया, कंस तो बध पहले ही हो गया था, फिर भगवान द्वारका आ गए, अभी राजा बन गए। और ये जो सुदामा है वो पोरबंदर, पोरबंदर मालूम है द्वारका के पास, सुदामा पूरी बोलते, वहां पर छोटे से झोपड़ी में रहते थे, पत्नी थी, दो बच्चे भी थे, भूख कहीं से कुछ मांगते नहीं थे, बड़े विरक्त थे। पत्नी ने एक दिन कहा, और रोज सत्संग में कृष्ण की कथा कह रहे थे, कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण ऐसे हैं, प्यारे हैं, मजाक करते थे, मुझे सम्मान करते थे, मेरा पैर दबाते थे, सब कुछ ऐसे प्यार बोलते थे। सुनीति है, सुमति उनके पत्नी का नाम है, सुमति ने कहा, हाँ सुशीला, सुमति इधर है, सुशीला ने कहा कि आप हमेशा ही प्रशंसा करते, जाते क्यों नहीं उनके पास? जाऊं क्या, लेके जाऊं? कुछ तो नहीं है, सोचेगा कि कुछ चाहता है इसलिए आ गया है, मैं ऐसे ही जाना नहीं चाहता। नहीं, अगर आप प्यार करते, किसको प्यार करते तो उनको पास तो जाना चाहिए ना, सिर्फ मांगने के लिए थोड़ी जाता है कोई। आप जाओ, मैं पड़ोस से कुछ चावल के जो कण है वो भुना करके आपको दूं, आप दे देना। उनको आइडिया ठीक लगा, पैदल खाली है, कपड़े एक ही कपड़े, जीर्ण शीर्ण फटा हुआ वस्त्र है, पादत्राण भी नहीं है, और जब चलते चलते थक गए, एक वाटिका में, बगीचा में, गार्डन में, द्वारका के पास ही सो गए,
भगवान कृष्ण जानते हैं, आज मेरे प्यारे सखा सुदामा आ रहा है। गरुड़ जी, मेरे पितरों को दूर जंगल के जो वाटिका है वहां से उठा करके हमारे रुक्मणी के जो सामने वाला जो वाटिका है वहीं रख दो, उनको पता नहीं चलेगा कहाँ कैसे कब आए। उन्होंने वही कर दिया। सुदामा उठ गए, उठा कि कहाँ, शायद मैं भूखा हूं ना, शायद समझ में नहीं आ रहा कब कहाँ पहुंच गया है। और सुदामा के मैंने रुक्मणी के महल के सामने बोल रहे हैं, कृष्ण से मैं मिलना चाहता हूँ, तो धन चाहिए ले लो धन, ना मुझे धन नहीं चाहिए, कृष्ण मेरा सखा है। तो जाकर के खबर देते हैं कि एक द्वारपाल बोल रहा है, एक ब्राह्मण आया है और दुपट्टा नहीं है और पगड़ी भी नहीं है, शीश ना पगड़ी कुछ भी नहीं है, कह रहा है कि आपके सखा है और कहे नाम सुदामा, वो अपना नाम सुदामा बोल रहा है। सुनते ही भगवान दौड़ गए, अपने मुकुट गिर गया, वस्त्र गिर गया और सुदामा को आलिंगन किया, लेकर के आए, वही सुंदर आसन में बैठाए और उन्होंने उनको क्या किया, पाद सेवा किया, षोडशोपचार पूजा किया, दीप धूप सब किया। और जानते हैं मित्र कुछ खाया नहीं होगा, बैठाने के बाद कहते हैं कथा बहुत सुंदर है, पैर में पाद में चरणों में कांटा लग गया था, रुक्मणी को कहा सुई ला, और रुक्मणी राजमाता वो कहाँ सुई ढूंढे, वो तो सेविका लोग करते थे, मगर भगवान ने आदेश दिया तो अलमीरा खोल करके सुई ढूंढ रही। देरी हो गई तो भगवान ने पैर उठाया, अपने दांतों से ही निकाल दिया, खुद चरण साफ किया, वो पानी भी पिया, बहुत प्रशंसा किया कि आप वंदनीय थे। आपको याद है ना हम लोग घूमते थे, आप हमेशा कंट्रोल में रहते थे, मैं तो चंचल था, मेरा तो गृहस्थ बढ़ गया, मैं सब पत्नियों को बुला रहा हूँ, सब बुलाए, आपने भी शादी किया ना, हाँ कितने, खाना एक ही तो संभल नहीं पा रहा हूँ, तुम 16108 कैसे संभल रहे हो, अब बुला रहा हूँ करके सबको बुलाया। इसी बीच में बुलाने से पहले भगवान मजाक किया, भाभी ने कुछ भेजा होगा ना, आप तो बड़े हो, जरूर भाभी कुछ भेजा होगा, आप दे नहीं रहे हो। तो फिर वो कांख में दबा के रखा था, उन्होंने ले लिया, खोला, भाभी ने कितना सुंदर पसंदीदा चीज दी है, खा रहे, फिर सेकंड टाइम खा रहे, रुक्मणी ने बंद कर दिया, प्रभु और मत खाओ क्योंकि हमको भी दीजिए, ऐसे करेंगे तो सारा ब्रह्मांड उनको दे देंगे। भगवान ने भी जान लिया, फिर उसके बाद सबको बुलाया, सबने प्राण आशीर्वाद सबको दिया, इतने 56 पोट भोग, ऐसे तो ब्राह्मण विरक्त थोड़ा थोड़ा कुछ खाए, रात में रुके, नेक्स्ट डे चल जाने पड़े। उनको याद है पत्नी ने कहा था कि आपको देखते हुए कुछ देंगे, आपको मांगना नहीं पड़ेगा, जाओ तो सही, मगर क्या करें, मांग तो नहीं सकते। सचमुच कृष्ण कुछ नहीं दिया, आप हम होते तो बोलते कृष्ण को डांटते, हम गए और कुछ नहीं दिया। आप कभी किसी मित्र के घर जब जाते तो सोचते हैं कि कोई वो सूट देगा, स्त्री लोग सोचते हैं साड़ी देगा, मेरे बेटी के शादी में हमने साड़ी दिया था, इसने कुछ भी नहीं दिया, और भगवान ने कुछ नहीं सोचा, सुदामा ने भी कुछ नहीं सोचा। सुदामा क्या सोच रहे रास्ते में देखिए, कहते कान्हा नहीं दिया ठीक किया, कान्हा सोच रहा है इनको धन दूंगा तो मुझे याद नहीं करेगा, ये मुझे रोज हर क्षण याद कर रहा है इसीलिए नहीं दिया। और कृष्ण क्या सोच रहे हैं, इनके जो त्याग है क्या मैं दूं, मेरे सामने दूं तो मुझे लज्जा आती है, इसलिए उन्होंने रुक्मणी को कहा था, समझा, उस समय रुक्मणी को कहा था नारद जी के लिए ऐसे, अब यहां कर
उन्हें दे देना। रुक्मिणी क्या करती है, ऐश्वर्या सखिया जाकर के पूरा कृष्णा सीरियल में या कोई सीरियल में है जब लक्ष्मी के अवतार के, तो सुशीला भी इतना सुशील है, वो कह रहे मेरे घर को मत कीजिएगा, अगर सब सारा गांव को करेंगे तो मेरे घर कीजिए, मैं अपने जिसके घर से हर रोज खाना आता है, हम स्वार्थी नहीं हो सकते, आप सबके घर कीजिए पहले, उसके बाद फिर लक्ष्मी को बताई गई है। सुशीला तो ऐसे बोल रहे, कर दो जैसे बोल रहे, सारा गांव को ही परिवर्तन कर दो, तब ये सुदामा पूरी हो गई है। भगवान आते हैं, आते सुदामा आते हैं, अपने ही घर नहीं पहचानते क्योंकि घर परिवर्तन हो गया, तो उन्होंने मार्क किया कि यही जगह था, और बिल्डिंग है, डेकोरेशन है, तो इधर सुशीला सुंदर साड़ी पहनी हुई है, बढ़िया सुंदर साड़ी बनारस के या तो तमिलनाडु के कांजीवरम साड़ी, कृष्णा समझ रहे हैं ना, सो रही है इसलिए तो जान नहीं पा रही, हाँ इधर वो समझ रहे हैं, ओन रंग गीता एंड कमला एंड सावित्री कांजीवरम है ना, लगभग 50,000-1,00,000 के, तो कांजीवरम साड़ी पहनी हुई है एंड सुंदर सुवर्ण थाली में आरती कर रहे हैं। फिर ये पूछ रहे हैं, देवी आप कौन हैं? सुशीला हंस के कहते हैं, हे आर्यो आपके ही अर्धांगिनी है, ना पहचाने ये घर हमारा, वो झोपड़ी कहाँ गया, ना आप ही तो गए थे कल्पतरु के पास, जहाँ कल्पतरु गए थे वो क्या बिना बोले ही हो जाता है, दोनों की आंखों से आंसू है। सुदामा कहते ये भगवान की कृपा है, ये कहते भगवान की परीक्षा तो नहीं है, सुदामा बोल रहे हैं कि मैं कैसे ध्यान करूं, मेरा मन तो इधर नहीं जाएगा। फिर कहते हैं सुशीला, नहीं ये भगवान की कृपा समझिए, आप जैसे ब्राह्मण पद्म पत्र जैसा रह करके ध्यान कर सकते हैं, ऐसे सुखदेव जी भी प्रेरित हो जाते हैं सुदामा की कथा कहते, जिनका नाम नहीं बोलते पर उनके त्याग के बारे में वर्णन करते, खुद त्यागी है सुखदेव जी, अगर ऐसे संत गृहस्थ भी है उनके वर्णन करते हुए थकते नहीं है, उनका सम्मान नाम लेते, ऐसे गृहस्थ सुदामा चरित्र वर्णन। फिर आगे शाम को हम लोग देखेंगे वसुदेव यज्ञ कर रहे हैं और नवमुनि आएंगे, वो प्रसंग कल देखेंगे, माने शाम को देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं।